तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपेश। साइंस से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बैंक का स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाल पाओगे, ठीक है। पूरा डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दिक्कत होती है हमको ये होती है कि अगर हमारे ब्रांच जाते हैं हमको स्टेटमेंट निकलवाना होता है, बहुत सारी भीड़ और तरह तरह के वो लोग बहाने मारते रहते हैं कि हम अपने यहाँ पे ऐसे भेजी हैं नहीं कर पाएंगे, तरह तरह की दिक्कत है। तो आज हम देखते हैं कैसे अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है ना ऑनलाइन कैसे निकालेंगे। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए साइड में लगाते हैं स्क्रीन और देख लेते हैं कैसे कैसे किया। तो दोस्तों मैं हर एक बैंक का तो बता नहीं पाऊंगा, एक ही बैंक के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन प्रोसेस यही होगा, ऐसे ही करेंगे ना पक्का का पक्का आपका दिखा देगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है बैंक का। आइए साइड में लगाते हैं स्क्रीन और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। मैंने यहाँ पे साइड में लगाया स्क्रीन, जैसे मेरा यहाँ पे है यूको बैंक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी एक ऐप आती है, हर बैंक की ऐप आती है, ठीक है, हमारी यूको की आती है जिसका नाम है यूको एम पासबुक, ठीक है, ऐप आती है, ठीक है। इस ऐप को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऐप का मैंने पिछली वीडियो में बना दिया, इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है और अपना खाता संख्या देना होता है, मोबाइल पर ओटीपी आएगी, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह से हर एक बैंक का होता है। आइए प्रोसेस समझ लीजिए, फिर बताऊँगा कैसे आप अदर बैंक का देखोगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मेरा एम पिन मैंने बनाया था, अपना एम पिन दे दिया। एम पिन बनाना होता है रजिस्ट्रेशन में, मोबाइल पिन बनाया जाता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आए उसके बाद देख लिया क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने वीडियो बना के बताया है, और कुछ करना नहीं होता है, आपको अकाउंट नंबर देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा और पिन बनाना होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पे स्टेटमेंट निकालेंगे। तो यहाँ मैंने लॉग इन किया, प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने लॉगिन किया ना यहाँ पे, तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको अकाउंट स्टेटमेंट का, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका खाता नंबर आएगा और कितने दिन का आपको स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट वन मंथ, टू मंथ, लास्ट थ्री मंथ, सिक्स मंथ, इतना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, तो हम अपना ईमेल आईडी दे देते हैं क्योंकि पीडीएफ बना के आपके जीमेल पे मेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, मैंने अपना दे दिया और यहाँ से 94@gmail और सारी दोस्तों यहाँ से gmail.com दे दिया मैंने, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, देख सकते हैं स्टेटमेंट जो टाइप है पीडीएफ में ले सकते हैं, एक्सेल में ले सकते हैं, फिर यहाँ पे पर्सनलाइज रिमार्क भी ले सकते हैं बैंक का। तो यहाँ जैसे मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया ना, तो यहाँ हमारा जो अकाउंट का जो भी स्टेटमेंट है ये पीडीएफ बना के ना हमारे जो हमारा जो यहाँ पे जो मैंने जीमेल दिया है उस पे सेंड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे ना, तो हर एक बैंक इसी तरह से होता है। तो सारी बैंक की ऐप वगैरह आप देख सकते हैं साइड में, मेरा जो स्टेटमेंट है मुझे रिसीव हो चुका, हम पा चुके हैं, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट आ चुका है हमारे जीमेल पर, आप देख सकते हो। पीडीएफ जो है ना यहाँ पे मैं खोल के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक बैंक का कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका अदर बैंक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे पीएनबी है तो पीएनबी पासबुक, इस तरह से हर एक मतलब जो बैंक आप सर्च करना चाहोगे ना हर एक बैंक का मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको किस बैंक का स्टेटमेंट निकालना है, मैं जरूर वीडियो बना के आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। कैसे रहे वीडियो, प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।